आत्मविश्वास वो पूंजी होती है जिसके बल पर किसी भी चुनौती से पार पाया जा सकता है। गरीबी जैसे अभिशाप से बाहर निकलने का भी यही एक तरीका है। नए भारत का आत्मविश्वास विकसित भारत का विश्वास बनेगा। साथियों, नए भारत में हमने प्रक्रिया में उलझे परिणामों की स्थिति को बदला है। हमने सामान्य मानवी को ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश की है जहां उसको जूझना ना पड़े, उलझना ना पड़े। इसमें सरकारी प्रक्रियाएं भी हैं, भ्रष्टाचार से लड़ाई भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कमाई के साधन भी हैं। आज आप देखिए, पहले सरकार तक पहुंचना सिर्फ खास लोगों के लिए संभव होता था। आज सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सरकार से सीधा संवाद कर रहा है। आज सामान्य मानवी को ये विश्वास रहा हुआ है कि मंत्री, सरकार और प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच है। इसी तरह पद्म पुरस्कार की कहानी है। भाई बहनों, पद्म पुरस्कार पहले भी मिल गया, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, लेकिन पता भी नहीं चलता था कैसे लोगों को मिल रहा। बहुत बड़ा बदलाव मैंने किया है। हमने तरीका बदला, गांव गांव से नाम मंगवाए। परिणाम ये कि इस बार लगभग 50,000 नाम आए। किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं ये पूरी दुनिया ने राष्ट्रपति भवन में देखा। बनारस की मिट्टी के लोक गायक हीरालाल यादव जी जैसे समर्पित साधकों को पुरस्कार प्राप्त करते जिसने भी देखा, उनकी आंखों में व्यवस्था परिवर्तन का एहसास देखा जा सकता। इसी तरह महामना और अटल जी जैसे रत्नों को भारत रत्न से देकर के सम्मानित करने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को प्राप्त है।